भगवान प्राथमिक विद्यालय भुजवा इंचार्ज प्रधानाध्यापिका के पद पे हूँ। मैंने आज बच्चों को रंगोली बनवाई है और स्कूल में रंगोली बनवा करके बच्चों को बताया कि स्कूल में कैसे रंगोली बनाई जाती है। और ये अमृत महोत्सव चल रहा है, इस उपलक्ष्य में बच्चों से रैली भी निकलाई गई और रैली निकलाने के बाद बच्चों को दिखाया गया कि ये अमृत महोत्सव का क्या उत्सव है और कैसे मनाया जाता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग, उम्मीद करता आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारा वायरल हो रहा है। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त का आज़ादी महोत्सव दिवस मनाया जा रहा है। योगी स्कूल में आया हूँ, प्राइमरी और आंगनबाड़ी स्कूल में आया हूँ मैं। आप लोगों को यहाँ के बच्चे का जो आज़ादी का महोत्सव दिवस मना रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप लोग जैसा कि देखिए, और अंदर भी बन रहा है, रंगोली टाइप बन रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ। और गाँव में, पूरे गाँव में रैली, मतलब बच्चों को घुमाया गया है। और चलिए, मैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है मेरे गांव का स्कूल। ये चारों तरफ का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये प्राइमरी विद्यालय भुजवा क्षेत्र मैथा कानपुर देहात, ये है प्राइमरी स्कूल। और ये है, साइड में आ जाइएगा, ये है आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम भुजवा विकास खंड मैथा जनपद कानपुर देहात। ये है आंगनवाड़ी का और ये है प्राइमरी का। चलिए मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ। ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये है किचन। और ये है पीपल, जो जखेवा पेड़ अंदर लगा है स्कूल के अंदर, ये है। और कुछ ऐसा लोकेशन है। गांव में, पूरे गांव में रैली, मतलब बच्चों को घुमाया गया है। और चलिए मैं आप लोगों को लाइन से लगो, लाइन से खुद पे हमको जाना ना, दिल से दूर जाना ना, दिल से दूर जाना ना, दिल से तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं अभी अपने गांव में प्राइमरी विद्यालय भुजवा क्षेत्र मैथा कानपुर देहात में आया हूं, जो कि मेरा गांव है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि आज़ादी का अमृतसर महोत्सव चल रहा है। तो मैं अभी स्कूल में आया था, तो रैली निकल अभी स्कूल में आया हूं। और स्कूल में आके मैं आप लोगों से, प्रधानाचार्य से और मास्टर साहब से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से कुछ रूबरू करा दूं, मैं आप लोगों से कुछ इंट्रोडक्शन दरवा दूँ। चलिए मैं आप लोगों से, प्रधानाचार्य से मैं आप विनती करता हूँ आके कुछ बताएँ। भगवान प्राथमिक विद्यालय भुजवा इंचार्ज प्रधानाध्यापिका के पद पे हूँ। मैंने आज बच्चों को रंगोली बनवाई है और स्कूल में रंगोली बनवा करके बच्चों को बताया कि स्कूल में कैसे रंगोली बनाई जाती है। और ये अमृत महोत्सव चल रहा है, इस उपलक्ष्य में बच्चों से रैली भी निकलाई गई और रैली निकलाने के बाद बच्चों को दिखाया गया कि ये अमृत महोत्सव का क्या उत्सव है और कैसे मनाया जाता है। ठीक, तो मैम, जैसा कि मैं आप लोग जैसा मैं जानता हूँ कि मैम आप यहाँ कब से, मतलब स्थित है कब से, यहाँ आप लोग यहाँ पे आप मतलब पढ़ा रही हैं मैम? मैं 15 अक्टूबर 2012 से मैं यहाँ अंतर जनपदीय ट्रांसफर होकर के आई हूँ। अच्छा मैम, अभी तक आप कहाँ पहले पढ़ाती थी पहले? मैं इसके पहले मैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट प्राथमिक विद्यालय खजुरा और विकास खंड लियोरपुर जनपद सोनभद्र में मैं कार्यरत थी। तो मैम, आपका यहाँ पे मतलब किस पद पे कार्यरत है आप? मैं यहाँ पे इंचार्ज प्रधानाध्यापिका के पद पे कार्यरत हूँ। चलिए, शुक्रिया मैम बताने के लिए। चलिए, अब मैं सर से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सर से मैं आपको कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ सर के बारे में। चलिए मैं अब अभी सर से चले बात करता हूँ। आइए सर, कुछ बताइए अपने बारे में। मेरा नाम विनय प्रताप नारायण है
मैं 27 जून को सहायक अध्यापक के पद पे आया हुआ हूँ और आज मैंने रैली निकलाई झंडा महोत्सव के आज़ादी के महोत्सव पे अमृत महोत्सव में और रंगोली बनवाई गई विद्यालय में। तो सर आप मतलब यहाँ पे कौन कौन से किस पद पे हैं और क्या क्या पढ़ाते हैं, किस क्लास के बच्चे सर पढ़ाते हैं? सहायक अध्यापक के पद पे हैं, कक्षा 4 और 5 देख रहे हैं। अच्छा, तो सर हमको ये बता दीजिए आप कि जैसे आप मतलब प्राइमरी पढ़ा रहे हैं, आंगनबाड़ी में कौन देखता है? वहाँ पे आंगनबाड़ी भी है यहाँ पे, तो आंगनबाड़ी में कौन टीचर है? प्रतिभा पाल है यहाँ पे। अच्छा, वाल वाटका का वो संचालन भी करती है। अच्छा, चलिए सर, मैं आपके यहाँ स्कूल में आके मैं बहुत खुश हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मोदी जी का और योगी जी का जो सहयोग कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। तो गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ तो स्कूल में आया था, बच्चों को रैली निकलवाई गई है और बात करता हूँ और बच्चों से कुछ पूछता हूँ। बाबू नाम क्या है तुम्हारा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। पापा का नाम क्या है? कहाँ रहती हो? और पोस्ट गया ठीक। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। बाबू प्रिया। पापा का नाम क्या है? प्रदीप पाल। और मम्मी का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने बच्चों का इंट्रोडक्शन और मैम की बात और सर की बात मैंने उनसे बात कर ली है और उन्होंने बता भी दिया है कि ये बच्चे हैं। और बाबू पहले बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, माता की जय, माता की जय, माता की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को, तो गाइस चलिए मैं चलता हूँ घर और मैंने मैम का और सर का मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया और स्कूल में दिखा दिया जो कि मतलब कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक जो महोत्सव चल रहा है मैं आप लोगों को दिखा दिया। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मैं फिर चलता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।